जो पत्र का आपने डीएम के देने आए, पत्रांक डीएम साहब को देने आए थे अपनी आवाज़ को दिल्ली पहुंचाने के लिए कि मुल्क में जो ये काला कानून सीए और एनआरसी को लेकर पूरे मुल्क में जो एहतजाज चल रहा है, हमने खामोशी के साथ इस एहतजाज के जो हकीकत थी उसको वाजे करने के लिए डीएम साहब के पास हम लोग पत्रांक लेकर आए। उसमें ये दरख्वास्त की गई है राष्ट्रपति महोदय से कि इस बिल के लिए इसमें दोबारा गौर खोज हो ताकि मुल्क में बसने वाले जितने भी नागरिक हैं सबको शहरियत जैसे माजी से आती आई है वैसे सबकी बाकी रहे, और गंगा जमनी तहजीब जो मुल्क की असल है और असल रूह है, गंगा जमनी तहजीब सदियों से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके तरीक़ेकार को मज़ीद और मज़बूत बनाया जाए, न यह कि किसी को मुल्क से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। सबको एक साथ यहाँ मुल्क में रहना है, मुल्क की तामीर में हिस्सा लेना है, इसी मसले को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और डीएम साहब महोदय ने हम लोगों का इस्तकबाल किया और हमारे पत्रांक को लिया और ये वादा किया कि हम आपकी इस आवाज़ को आगे राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचाएँगे। जी क्या नाम है आपका, किस पद में आप? हम जमीयत उलमा ज़िला मऊ के अध्यक्ष हैं, मौलाना अरशद बद्दी साहब। पत्र कितने आए? सीएए जो एक्ट पास हुआ है जी, उससे सारे हिंदुस्तान के मुसलमान आइन मुस्तकबिल में ख़तरा महसूस कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सेकुलर तबका भी इसके ख़तरनाक नतज को महसूस कर रहा है और वो हमारे साथ खड़ा है। जामिया मिलिया में जो घटना हुई, अलीगढ़ में जो घटना हुई, उसकी वजह से सारे मतलब कि स्टूडेंट यूनियन के लोग भी साथ हैं, तो हम सदर जमहूरिया से यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस बिल पर नज़रसानी की जाए, इस कानून पर नज़रसानी की जाए, इसलिए कि अगर मुल्क में अफरा तफरी रहेगी तो मुल्क बजाय तरक्की करने के पीछे जाएगा, और इस वक्त जो बहुत बड़ी तादाद में मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं तो उससे सारे हिंदुस्तान की आवाम ये समझ रही है कि मुसलमानों को बेचैनी है, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम समझदार लोग उस बेचैनी को महसूस कर रहे हैं। बाहरी दुनिया में भी हमारा वक़ार और हमारी साख गिर रही है, और मतलब है कि मुल्क का कारोबार बहुत ही ख़तरनाक हद तक गिरता जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो अगर मुल्क में अमन चैन नहीं रहेगा तो परेशानियां मुस्तकबिल में और बढ़ेंगी, हमारा मुल्क तरक्की करने के बजाय पीछे जाएगा। इसलिए हम सब लोग मुल्क की तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं और ये चाहते हैं कि मुल्क में सुकून का माहौल रहे ताकि सब लोग मुल्क की तामीर में हिस्सा लें, यहाँ किसी तरह की खुराफात और फितना और फसाद ना हो। क्या नाम है आपका? अनवर अली, मुफ्ती अनवर अली, दारुल उलूम। डीएम साहब को आपने पत्र दिया? आज हम लोग जमीयत उलमा ज़िला मऊ की तरफ से एक वफद की शक्ल में डीएम साहब के पास आए, और हमारा मकसद आज आने का ये था कि सीए जो अभी अभी पार्लियामेंट से पास किया गया है, एक्ट बनाया गया है, उसके विरोध में पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजात हो रहे हैं, तो हम लोगों ने सड़कों पे एहतजाज ना करके हमने शांति के साथ अपना एहतजाज डीएम साहब के यहाँ पहुँच करके दर्ज कराया, और उसमें हमने ज्ञापन दिया और उसमें हमने इस बात का मुतालबा किया है कि ये हमारी आवाज़ जो है सदर जमहूरिया तक पहुँचाई जाए और इस पे फिर दोबारा गौर किया जाए, और जिस तरीके से ये पुराने ज़माने से ये बिल था 1955 में, उसी अंदाज में फिर दोबारा उसका संशोधन करके लाया जाए, यही हमारी मांग थी, और इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ तक आज हाजिर हुए थे, और बड़ी ही संजीदगी के साथ हमारे डीएम साहब ने हम लोगों का इस्तकबाल किया, और आज का दिन भी कुछ ऐसा था कि हमको आना ही चाहिए था। ये दोनों मुनासिबत से कि 1 जनवरी थी जो साल का पहला दिन था, और हम लोगों का एक मुतालबा भी था, दोनों को एक साथ हम लोगों ने जोड़ करके आज डीएम साहब से रखा उनके सामने, बड़ी ही संजीदगी बड़ी ही खुशी के साथ उन्होंने इसको कबूल किया और लिया और हमसे वादा किया। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल हई मिफ्ताही, सदर जमीयत उलमाए ज़िला मऊ। क्या है आज़म मऊ के? हाँ, हम लोग जितने अफराद हैं ये सब इस शहर के ज़िम्मेदार हजरात हैं, डीएम साहब से इस मकसद के लिए आज हमने मुलाकात किया कि आज साल का पहला दिन है, उनको मुबारकबाद पेश करेंगे, और सीए का जो कानून हमारी पार्लियामेंट ने पास किया है उसमें चूंकि सब लोगों का तذکرہ है सिवाय मुसलमानों के,
हम लोग चाह रहे हैं कि चाहे तो मुल्क के बाशिंदे होने के एतबार से सब बराबर हैं, तो किसी का नाम ना लिया जाए, या जैसे दूसरे मजाहिब पारसी हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सबका नाम लिया गया है, तो मुसलमानों को भी उसमें शामिल किया जाए। इसी मकसद के लिए के जो कानून पास हुआ उसमें संशोधन करके मुसलमानों का नाम भी उसमें डाला जाए, ताकि मुल्क में जो बेचैनी फैली हुई है लोग इन जो है इत्मीनान का सांस ले सकें। इसी मकसद के लिए हम लोग जनाब डीएम साहब के वहाँ आए थे। डीएम साहब ने बहुत ही खुशदिली के साथ हमारा ज्ञापन हासिल किया और यकीन दिलाया कि आपकी बातों को हम पहुँचा देंगे। तो हम तमाम लोगों डीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम लोगों के साथ एक बहुत ही एजाज़ का मामला फरमाया, और उम्मीद है कि डीएम साहब इस आवाज़ को हमारी पहुंचाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल अली नदवी, प्रधान आचार्य मदरसा तालीम टीम। अपने आप डीएम से देखिए, मैं तो जमीतुल उलमा का एक खादिम हूं, और ये आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जमीतुल उलमा और तंजीम है जो पूरे मुल्क में आपसी भाईचारा और अमन शांति का पैगाम देने के लिए शहर शहर गाँव गाँव घूमती है, और जमीयत के वर्कर भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैले हुए हैं। जमीयत का काम हमेशा ये होता है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने लोग भी रहने वाले हैं वो सब में एक बैलेंस बना रहे और आपसी प्यार मोहब्बत ताल्लुकात के साथ लोग जीते रहें। मुल्क जो हमारा हिंदुस्तान मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। हम लोगों की और सारे लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि हमारा मुल्क तामीर व तरक्की की राह पर चले, और ज़ाहिर है कि मुल्क की तरक्की यही होती है कि मुल्क में बसने वाले जितने भी लोग हों, चाहे वो किसी भी मजहब धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, उनको तजारत का मौका दिया जाए, उनको सनत का के फ़रोग का मौका दिया जाए, ताकि अपनी तजारत में, ज़रात में और सनत के फ़रोग से खुद भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें और अपने मुल्क को भी बेहतर रास्ते पर ले चलें। लेकिन इधर जो सीए कानून पास हुआ है या हुकूमत की तरफ से जो यके बात दिगरे, कुछ कभी एनआरसी की बात होती है, कभी कोई ऐलान होता है, तो इससे लोगों को ये महसूस होने लगा है कि मुल्क में सनत और तजारत और काश्तकारी और दीगर चीज़ों को फ़रोग देने के बजाय हुकूमत सिर्फ उन चीज़ों में लगे हुए हैं जिन चीज़ों में आपसी जो ताल्लुकात थे वो ताल्लुकात कम होते जा रहे हैं, और हुकूमत चाहती है कि इनमें दलाल पैदा हो। हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी बसने वाले मुल्क में लोग हैं, चाहे किसी भी मजहब से जुड़े हुए हों, सबको राहत और सुकून मिले, किसी के साथ मजहब की बुनियाद पर कोई भेदभाव न किया जाए। इसी मामले को लेकर हम लोग डीएम साहब के पास आए हुए थे कि जो सीए कानून पास हुआ है, इससे हम ही लोग नहीं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मुसलमानों के अलावा भी सेकुलर एक बहुत बड़ा तबका है जो ये महसूस कर रहा है कि इसमें आने वाले वक्तों में हम लोगों के लिए खतरात हैं। उन खतरात को महसूस करते हुए भी हम लोग आए हैं डीएम साहब के पास कि आप हम लोगों की आवाज़ सदर जमहूरिया तक पहुँचाएँ, और उनके वास्ते से ये बात हुकूमत तक जाए कि उस एक्ट के बारे में दोबारा हुकूमत हर किस्म के लोगों को, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सबको बुला करके लोगों के एहसासात को सुने और सुनने के बाद उसमें तब्दीली पैदा करने की कोशिश करें। इसी में मुल्क की खैर है, भलाई है, और मुल्क के सारे बाशिंदों के लिए भी खैर इसमें है।